नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बिरसा मुंडा जयंती पर शुक्रवार को शहडोल संभागीय मुख्यालय के बाणगंगा मेला मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शहडोल में हवाई पट्टी तो है, यहां हेलीपैड भी बनना चाहिए और यहां हेलीपैड के ऊपर कई काम करने की जरूरत है। ऐसे में घोषणा करता हूं कि ये सौगात भी शहडोल की दिलाई जाएगी। भविष्य की दृष्टि से उन्होंने कहा कि हेलीपैड और हवाई पट्टी का काम कराया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि शहडोल में 229.66 करोड़ की लागत से 74 विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। नए विकास कार्य के लिए 161 करोड़ की लागत से 44 नए निर्माण कार्य होंगे और 68 करोड़ 65 लाख की लागत से भूमि पूजन का भी काम किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे उस वीर के संघर्ष के कारण जीते जी जैसे भगवान श्री राम अपने वनवासी आदिवासियों के बीच लंबा समय गुजार करके रावण जैसी महाशक्ति से संघर्ष करते हुए प्रभु श्री राम बने, तो वो हमारे आदिवासियों के कारण से बने। ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपना संघर्ष प्रारंभ किया बाल ग्वाल ऐसे ही सभी के बीच में। मुझे तो इस बात का आनंद है, जैसे ही मोर पंख लगता है तो ऐसा लगता है कि हम कृष्ण भगवान के युग में पहुंच गए। आज भी संस्कृति को अगर कोई रखता है तो हमारा आदिवासी समाज रखता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी उस गौरवशाली संस्कृति का। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, यशस्वी प्रधानमंत्री का। आजादी के बाद आदिवासियों के लिए इतना सम्मान देने का, उनके गौरवशाली इतिहास को देश के सामने लाने का अभियान अगर किसी ने चलाया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। भगवान बिरसा मुंडा को वहां झारखंड के अंदर उनके संघर्ष को जानते तो देश वाले थे लेकिन मानते नहीं थे। 15 नवंबर सच्चे अर्थों में आदिवासियों के अपने गौरव का दिवस बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।